आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज। हम आपको रुक कराएंगे देश की सारी छोटी बड़ी खबरें। उससे पहले रुक करते हैं आज के ताजा खबरों की तरफ। ग्राम पंचायत बेरी बिरहन के ग्रामीणों ने ग्राम सचिव प्रमोद कुमार पर घूस खोरी और गबन का लगाया आरोप। ग्रामीणों का चौथे दिन भी क्रमिक अनशन जारी नहीं ले रहा है प्रशासन। अनशनकारियों के शोध, अनशनकारियों में महिलाएं भी सम्मिलित हैं, नहीं मिल रही है सुरक्षा व्यवस्था। बिसंडा ब्लॉक की ग्राम पंचायत पीड़ी बिरहन में संतोष यादव के खेत में समतलीकरण का कार्य किया गया है, जिसका भुगतान प्रधान और सचिव के द्वारा नहीं किया जा रहा है। ग्राम सचिव के द्वारा लाभार्थी साधना ऑफ प्रेमचंद के नाम शौचालय निर्माण के लिए दिनांक 13/2020 को चेक दिया गया था, जो ग्राम सभा का खाता बंद होने के कारण भुगतान नहीं हो पाया, जिसने उन्हें नया चेक दिए जाने की मांग की जा रही है। चेक संख्या 21001036-1 है। बिना खुली मीटिंग के ग्राम सभा में पक्के कार्य के प्रस्ताव में आधे घंटे से अधिक ग्राम पंचायत सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर कर कार्य कराया जा रहा है। ग्राम सभा में बन रहे पंचायत भवन मटेरियल आपूर्ति सप्लायर का भुगतान न किए जाने के विरोध में दिनांक 15/11/2021 से क्रमिक अनशन चल रहा है। अशोक लाट तिराहे बांदा में, जहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी बड़े दावे करते हैं महिला सशक्तिकरण पर, 4 दिन से लगातार महिलाएं रात दिन अनशन पर बैठी है, लेकिन कोई सुरक्षा नहीं मिल रही है। अनशनकारियों एप्लीकेशन भी दिया गया है। बांदा पुलिस अधीक्षक को सुरक्षा के लिए फोन भी किया है कि महिलाओं को सुरक्षा दी जाए, लेकिन आज तक कोई सुरक्षा नहीं मिल पा रही है और यहां पर कोई भी घटना हो सकती है, लेकिन सरकार सोई हुई है। अनशन स्थल क्यों नहीं खाली रह पा रहा है? कोई न कोई अनशन पर बैठ रहे, कारण क्या है? योगी जी, आप उत्तर प्रदेश की जनता को बताइए कि कारण क्या है? यहाँ के अधिकारी क्यों नहीं सुन रहे हैं? उत्तर प्रदेश की सरकार गूंगी बहरी कब जाएगी? लाइव टीवी समाचार के लिए बांदा से शालिनी सिंह पटेल की रिपोर्ट। क्या अनशन कर रहे हैं? हम 15 तारीख से लगातार हम लोग अनशन कर रहे हैं। कोई अधिकारी आए आपसे मिलने? नहीं, आज तक कोई हमारे पास कोई सुरक्षा व्यवस्था, रात में कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं। महिलाएं भी हैं आपके साथ? जी, महिलाएं भी हैं। जी, पूरा मैटर बताइए। मैटर मैम ये है कि हमारे यहाँ का जो ग्राम सचिव है, हमने सप्लायर आपूर्ति की थी, सप्लायर है, तो उसका भुगतान नहीं 5.5 लाख कर रहे, जबकि 24,684 मनरेगा से मजदूरी का भुगतान कर दिया था। दूसरा चेक जो है शौचालय का दिया है, वो प्रशासन का कार्यकाल था, 1 साल हो गया, चेक भुना नहीं है, पैसा निकला नहीं है, इनको दोबारा चेक देना चाहिए था, आज तक हम दोबारा चेक नहीं दे रहे हैं। और खेत में समतलीकरण हुआ है संतोष यादव के खेत में, जिसका मजदूरी का भुगतान अभी तक नहीं दे रहे हैं। और हमारे वाइफ, हमारी माता जी ग्राम पंचायत सदस्य हैं, गाँव में पक्के काम चोरी कराए जाते हैं, फर्जी दस्तखत करके ग्राम पंचायत सदस्यों। अच्छा, इसको लेकर के आप किसी अधिकारी से मिले हैं? हमने माननीय DM साहब से मिला, माननीय DPRO साहब से मिला, माननीय CEO साहब से, DGO साहब बिसंडा से भी मिले, और DC मनरेगा से मिले, लेकिन अभी तक कोई नहीं, बस आश्वासन है भुगतान। तो आगे अगर आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, आगे आप क्या करेंगे? भूख हड़ताल करते हुए अपने प्राण त्याग देंगे, इसलिए कि हम लोग 5.5 लाख का पैसे उधारी पे करेंगे। और सचिव साहब भ्रष्टाचार पर लिप्त हैं। क्या नाम है सचिव का? प्रमोद कुमार वर्मा। प्रधान का क्या नाम है? श्री सरोज कुमार यादव जी। तो कहीं ना कहीं ये जो है जो ग्राम सचिव है, इसी की दबंगई है? जी, प्रधान और चूँकि पैसे वाला है प्रधान जी, और प्रधान वर्तमान वही है, तो उनकी सहमत से तम्बाई दबंगई के बल पर सचिव की साजिश से ही पूरा। जी, वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, तब तक आप कहीं न जाएं, बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।